आपने भी दिल नादानी में ही दिया था। फराजी, दिल हमेशा नादानी में दिया जाता, सोच समझ के तो शादी होती है। अच्छा हाँ। देखो मैं भी नादानी दिता ते तको न कह बलाम टकरी। मैं समझदारी की थी, मैं नलकी हुई है। अल्लाह ने तनु दिता दिता। अल्लाह अल्लाह दा दिता। अच्छा अल्लाह दा दिता, अल्लाह ही लाके जावे। लेकिन वो इतनी जो लंबी लाइन थी तो उसमें से एक का इंतखाब और अपनी पसंद की शादी और मोहब्बत, ये सारी चीज़ें कैसे आपने मरहले तय किए? ये ना मैं समझता हूँ लड़की पे डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा वो आप क्या कहेंगे इसको, समझती है आपको, कितना ज़्यादा वो बर्दाश्त करती है, कितनी ज़्यादा आपको स्पेस देती है। मैं गल करना चाहनी हूँ, ये हर गल कुड़ी ते साड़ देने, कुड़ियाँ इंज होना चाहिए, कुड़ी सोहनी होनी चाहिए, कुड़ी सारिया चीजा होनी, मुंडे नु कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर सामने वारिस बेग हो तो मैं फिर बात कर देता ना हो। प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर्स हो या कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या हमारे इदारों के बहुत वो लोग हों, आपकी माशाल्लाह दोस्तियाँ देखी हैं मैंने। सो ये क्या सोशल स्किल है, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट से बढ़कर एक फैमिली मेम्बर की तरह हर एक के साथ मैंने देखी है। जब कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी इंसान अनकंडीशनल दोस्ती करेगा ना, उसकी सबसे अच्छी दोस्तियाँ होंगी। मेरे जितने भी पॉलिटिशियन हैं सबके साथ इस तरह दोस्ती है, फैमिली फ्रेंड्स हैं मेरे, आपको पता ही है सर, सबके साथ मेरी बहुत अच्छी है। आई नेवर आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। मैं हमेशा जब भी मांगता हूँ मैं उससे मांगता हूँ। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, सबसे ज़्यादा जो करीबी मेरा दोस्त है वो मेरा अल्लाह पाक है। मैं उन्हीं से बातें करता हूँ। मैं मेरी वाइफ को ये गला रहता है, आप अपनी बात कोई नहीं करते हमसे, खुशी की शेयर करते हैं, गम की कोई बात शेयर नहीं करते। गम के लिए मेरा अल्लाह है ना मेरे पास हमेशा। अच्छा, किसी से भी नहीं करते? मैं नहीं करता, मैं खुद लड़ता हूँ जंग अपनी, पर मेरे साथ फिर अल्लाह होते हैं, कोई होता है। मैं अल्लाह पाक को ये भी कहता हूँ कि अल्लाह बस आपको पता है मैं यहाँ ठीक हूँ या गलत हूँ, आपने मुझे बताना है, आपने गाइड करना है, और मैं किसी से मशवरा नहीं लेता। और ये इतने जो मैंने ये यानी मैं आई विटनेस बात कर रही हूँ, सुनी सुनाई नहीं कर रही, आपको पता ही है मिले हुए हैं। मैं आपको टीवी ग्लोबल में बात कर रहा हूँ। आई नेवर आस्क एनी फेवर फ्रॉम एनीवन। अच्छा, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, तो चाहे आपको कैसा लगता है? बल्कि उनके काम मैं कर देता हूँ ज्यादा। अच्छा ये बताइएगा सर, आपने अब एक बताया कि आप चागी तक साथ गए और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके साथ थे और आपकी बड़ी कुर्बानी मेरे साथ थे। साद रफीक साहब, सलमान रफीक साहब और सबा सादिक, चौथा मैं था। उन दिनों में साद भाई ने मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह, फैमिली फ्रेंड्स हैं बल्कि मोहब्बत है हमारी भाइयों की तरह। साद भाई ने कहा कि मैंने बहुत सिंगर्स को टच किया वारिस, मैं नाम ही लूँगा, कुछ लोग इस दुनिया में भी नहीं हैं। सॉरी, उन्होंने कहा जी हमें कितने पैसे मिलेंगे, क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो तुम वाहिद बंदे हो जिसने हमसे कुछ नहीं पूछा। आई डिडंट चार्ज अ सिंगल पैनी। मैंने कहा ये मेरे मुल्क की बात है, ये मेरे पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के लिए हम कुछ भी करेंगे, मैं कुछ भी कर जाऊंगा पाकिस्तान के। आप डॉक्टर्स हैं या आप इंजीनियर्स हैं, दोनों में ये अकेले हैं, बच्चे आपके ऑरलैंडो रह रहे हैं, बेटी आपकी कैनेडा रह रही है, व्हाट्स द पॉइंट? आपने इतना पैसा किस लिए कमाया? अकेले रहने के लिए? क्या आपने जिंदगी की ना दुखती रग सबकी छेड़ दी, सबकी? ये इस वक्त हर बंदे मैंने देखा है, क्योंकि मैंने बहुत शोज किए, पूरी दुनिया में शोज किए, मैंने उनको रोते हुए देखा है बच्चों के लिए। तो आपके साथ ये लोनलीनेस का कोई फेज गुजरा है, जब जैसे आपने कहा कि आप शेयर नहीं करते किसी से, तो कभी खुद भी तन्हाई महसूस? कभी भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे हम नाश्ता कभी अकेले नहीं करता, मैं बच्चों के साथ टेबल पे हमारी डिस्कशन होती है, जितनी बातें हैं। कोई मुझसे बच्चे पूछते हैं पापा ये क्या करना है, ये क्या करना है, अच्छा पूछते हैं हर चीज आज के दिन अभी तक, आज के दिन तक। नो सेलफोन अलाउ ऑन टेबल। रात का खाना अगर हम घर में इकट्ठे सब इकट्ठे खाएंगे, ये नहीं कि मैं अकेला खा रहा हूँ, बीवी अलहदा खा रही है। मैंने देखा है बिलियनर लोग हैं हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बीवी अपना नाश्ता बना के भाग रही है, मियाँ अपना बना के भाग रहा है, बेटा उधर चला गया है। पॉइंट क्या है इसका, पॉइंट क्या है ये बताएं? इतना पैसा क्या करना है जब आप में वो ही नहीं है? मैं तारों के ज़माने का बंदा हूँ कि केबल लगाई है ना। अच्छा हाँ, केबल से वो कैमरा चल रहा है। ये जितने बंदे हैं ये अभी तो वाईफाई वाले बंदे हैं, तो उनके प्यार भी वाईफाई वाले हैं, हम कनेक्टेड रहने वाले हैं। अरे वाईफाई प्यार बड़ा खूबसूरत है। अरे इतने आप खुश लिबास भी हैं, खुश ज़ौक भी हैं, एक्टिंग वगैरह
मुझे लगता है फेक करूंगा मैं, मुझे फेक नहीं, मुझे पसंद नहीं एक्टिंग करना, मुझे बहुत बहुत ज्यादा नहीं डर लगता था किसी को आई लव यू कहते हुए या किसी से। नहीं नहीं, वो तो बेचारी, वो तो मैं ऐसा कभी एक बार ऐसा हुआ कि मैं फोर्ट्रेस में था अपने उधर, तो एक पूरी वैन तो नहीं थी बड़ी, वो बस थी लड़कियों की भरी हुई आ गई, उसकी बड़ी अच्छी आदत है, कभी देखना इतनी लड़कियां आ गई हैं घेर लिया, वो ऐसे निकलती है जैसे मेरी जानती नहीं है वो। अच्छा। हाँ, ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है उसकी। अच्छा, क्योंकि शायद उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस ज्यादा है। आपने बांध दिया होगा ना। नहीं, एक्चुअली किसी को बांधने से आप किसी को कैद नहीं कर सकते। कबूतर है ना, खुला छोड़ो दो दिन में वापस आ जाता है। तो औरतों को, बंदों को भी खुला छोड़ना चाहिए। अगर आपके हैं वापस आएंगे, आपके नहीं है तो आपको पिंजरे में रखें, आपका नहीं है वो। वाह वाह, ये तो आपने खलील जिब्रान साहब की बाकायदा उनकी फिलॉसफी है। उन्होंने कहा है कि इफ यू लव समवन सेट हिम फ्री, इफ ही इज योर्स ही विल कम बैक, एंड इफ ही विल नॉट रिटर्न ही इज नेवर योर्स। मैंने सुना नहीं उनको, लेकिन मैंने दिल से बात की, मुझे नहीं पता उन्होंने ये कहा। हाँ, यही बात कि वापस आएगा। ये मेरी भी है, कभी मेरी वाइफ ने मेरा फोन टच नहीं किया ना, मैंने कभी किया। भाई जब हमारे नबी ने चीजों को मना फरमाया, उनकी कोई एक बात मानो शायद बख्शीश हो जाए आपकी, कोई एक तो मान लो यार। बैठ के पानी पीना शुरू कर दो, आप किसी के उसमें ना दाखिल हो, किसी के घर में जाना है तो नॉक करके जाएं, गइबत ना करें, गइबत ना करें, आप कान लगा के सुने ना क्या कर रहे हैं। आपकी माँ आपके खिलाफ बात कर सकती है, आपका भाई आपके खिलाफ कर सकता है बात, तो आप तो किसी के दोस्त नहीं रह सकते फिर। बिल्कुल, सुने, गइबत करना छोड़। मैं लाइन थी टूटा तो होगा बेचारे। दिल आप तब तोड़ते हो जब आप किसी से कोई प्रॉमिस करो या आप किसी को आई डू दैट फॉर यू और वो आप ना करें, फिर आपका दिल टूटता है। जब आप किसी से प्रॉमिस ही नहीं करते, आपका दिल कैसे टूटेगा। 100 फिल्मों के गाने, आपका पसंदीदा कौन सा आज तक है कि जो आपको लगता है कि यार मुझे बाकी लोगों को शायद इतना नहीं लगे। बहुत से गाने मेरे ऐसे, चले एक मैं गाना गाता हूँ, एक सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त थे जनरल साहब, उनका नाम ही दूंगा मैं, वो मुझे कहते थे कि वारिस जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ मुझे लगता है मैं किसी ख्याली दुनिया में चला गया हूँ। तो वो आज गाना मैं आपके नाम करता हूँ। शुक्रिया। आज की शाम क्योंकि आपके नाम है तो आपके नाम करता। शाम तो आपके नाम है लेकिन गाना मेरे नाम। यूं नजर से नजर हम कलाम हुई, आज की शाम तो तेरे नाम। तेरे नाम। वाह जी वाह। चले जी सुनते हैं।
लेडीज एंड जेंटलमैन फराह हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम वीकेंड एट ग्लोबल। मुझे यकीन और उम्मीद है कि तमाम हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज बड़े ज़बरदस्त और मज़े में होंगे, और ये जो छुट्टियाँ वुटियाँ गुजरी हैं क्रिसमस की और न्यू ईयर की, तो आपने बड़ा धमाकेदार और भरपूर आगाज़ अपने वर्किंग डेज़ का कर दिया होगा। सो आज हम वीकेंड पे आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त नाइट लेकर आए हैं जिसमें आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमान से आपकी मुलाकात कराऊँ, हम समझते हैं कि खूबसूरती का राज, हमेशा दिलकश जवान रहने का राज, शायद के बहुत अच्छे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होते हैं, शायद के बहुत अच्छी डाइट होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी कि एक सीक्रेट ये भी होता है कि आप हर वो चीज़ जो कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो आपकी डाइट है। कोई सोच, ख्याल, जो भी आप बातें देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, ये सब आप कंज्यूम कर रहे हैं, इसके आपके ऊपर असरात मुरतब होते हैं। टॉक्सिक लोग आसपास होंगे तो आपका मूड भी ख़राब होगा, आपकी सेहत भी ख़राब होगी और आपकी खूबसूरती भी ख़राब होगी। अगर आप गलत चीज़ों और गलत एक्टिविटीज़ में वक्त गुजारेंगे, तो जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लें, जितने मर्ज़ी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ले लें, जितनी मर्ज़ी जो है अपनी खुराक बेहतर कर लें, कभी भी आप उतने दिलकश और उतने अट्रैक्टिव नहीं नज़र आएंगे। सो इन तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखें। अब आप कह रहे होंगे मेरे ज़हन में सारी बातें क्यों आ रही हैं, तो इसकी एक वजह मेरे मेहमान हैं, क्योंकि जहाँ उनका फ़न सदाबहार है और उनकी आवाज़ सदाबहार है, वहाँ वो ख़ुद भी सदाबहार है। क्योंकि मैंने तो जब से उन्हें देखना शुरू किया, वो वैसे के वैसे हैं, जिसे कहते हैं ना कि एक बाल का भी कोई फ़र्क पड़ जाए, तो वो भी माशाल्लाह से नहीं पड़ा। और यही उनका अंदाज़ और यही उनकी आवाज़ है कि जो हमारा दिल जीते हुए है और इंशाल्लाह जीते रहेगी। मुझे ये भी नहीं पता चलता कि इनकी वजह से फ़िल्म इंडस्ट्री पे बाहर आई थी या फिल्म इंडस्ट्री की बाहर की वजह से ये आए थे, लेकिन मेरा ख्याल है पहली बात ज़्यादा सही है, क्योंकि इनकी खूबसूरत आवाज़ इतना जादू जगाया था उसने कि हमारे फ़िल्म के जो भी गाने थे वो सुपर हिट थे, और उस म्यूज़िक की वजह से सारी फिल्मों ने बहुत अच्छा बिज़नेस किया। समझ तो आप गए होंगे कि आ प्यार दिल में जगा। सो आज हम उनसे कहेंगे आ प्यार दिल में जगा। मेरे साथ हैं आज वारिस बेग। आके न फिर दूर जाना।
थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैंने ये फराज ये कोई 20-22 साल बाद गाया स्टेज पे और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कैसे स्टार्ट किया आज वही गाना मैंने गाया बहुत शुक्रिया अच्छा मुझे एक चीज़ की माफ़ी दे मैंने शुरू में कहा है कि और आपको देख के मैंने सारी ओपनिंग की है बिकॉज मेरी आपसे कोई सैकड़ों मुलाकातें और मैंने आज तक आपके माथे पे शिकन नहीं देखी मुझे एक वारिस बेग है भाई जिसने फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया था जिसकी आवाज़ हर हीरो के ऊपर फिट आ रही थी जिसका हर गाना ब्लॉकबस्टर था आज तक हमें इस लेवल का प्लेबैक सिंगर जो है नहीं मिला हमें ये आवाज़ और ये अंदाज़ जो आपकी आवाज़ में जो एक खाबिदगी है ना वो नहीं मिली तो लेकिन टैंट्रम्स नहीं तो माफ़ी इस चीज़ की मांग रही हूँ कि मैंने ये कह दिया था कि आप वैसे के वैसे हैं दरअसल आप वक्त के साथ साथ और हैंडसम होते जा रहे हैं फरा जी मैं आपकी जो तीसरी बात थी ना आप बातें बहुत अच्छा हमेशा बहुत अच्छा बोलती हैं बहुत दिल से बोलती हैं जब दिल से बोलो तो फिर एक्सप्रेशन भी आपके सेम हो जाते हैं आपने कहा कि मेडिसिन से नहीं कुछ होता और बोटॉक्स लगा लें ये कर लें वो कर लें मैंने कभी एक तो मैं दो टाइम खाता हूँ अच्छा सुबह का नाश्ता वो ब्रंच टाइम ही होता है हमारा 11-12 बजे और रात को ये भी हमारे नबी पाक की सुन्नत है दूसरा वो जो है मैं बहुत कम वहाँ बैठता हूँ जहाँ नेगेटिविटी हो मैं उठ के चला जाता हूँ अच्छा कोई माइंड करता है कुछ होता है या कोई होता है ना वो कोई नेगेटिविटी की बात शुरू होती है या फैमिली की बात मैं कहता हूँ मैं इससे ऊपर वाला बंदा हूँ मुझे ये बातें ना सुनाओ कोई भी ना सुनाओ ठीक है मैं सुनता नहीं हूँ ठीक है तो गॉसिप का कोई शौक नहीं है आपको नहीं बिल्कुल नहीं है गॉसिप ज़्यादा झूठी होती हैं ऐसे ही किसी का टाइम ज़ाया करना और किसी के बारे में सुनना वैसे भी पर्दा है और तीसरी बात आपको आजिज़ होना चाहिए सबसे पहले बड़ा आर्टिस्ट नहीं बड़ा इंसान होना ज़रूरी है उसके बाद आर्टिस्ट छोटे बड़े होते हैं इंसान बड़ा होना ज़रूरी है तो आप जो चीज़ अल्लाह को पसंद है वो करें ना अल्लाह को क्या पसंद है आजिज़ ही पसंद है तो आजिज़ में रहें तो मैं बड़ा बन के क्या कर लूँगा एवरीबॉडी हैव टू गो यहाँ पे जाएं जब आप कभी तो बहुत बड़े बड़े लोग जमीनों पर लेटे हुए कोई देखने नहीं जाता उसको अरे वाह वाकई ये कब्रिस्तानों में आप चले जाएं क्या क्या सारे सिकंदर वहाँ पे ही हैं सब सिकंदर तो मैं तो सिकंदर भी नहीं हूँ नहीं मैं कलंदर हूँ एक्चुअली आपने क्या अपने लिए अच्छा लव्स चूज किया लेकिन ये आर्टिस्टों में कलंदर कहते हैं कि आर्टिस्ट स्टारडम शोबिज इज ऑल अबाउट टैंट्रम्स स्टार टैंट्रम्स तो कभी फील नहीं हुआ कि कोई फॉर ग्रांटेड टैंट्रम वाले देखे कहाँ रह गए हैं कहाँ चले गए इस मुल्क में या इंटरनेशनली माइकल जैक्सन से बड़ा स्टार नहीं हुआ या राहत फतेह अली खान साहब हैं खान साहब बड़े खान साहब हैं नुसरत साहब उनके साथ मैंने बहुत काम किया सबसे ज़्यादा उनकी कंपोजिशन मैंने ही गाई हैं उनको मैंने जब भी देखा ज़मीन पर बैठे देखा और कोई उनमें में कोई चीज़ नहीं थी जिनके साथ मैडोना गाना करना चाहती थी जिनके साथ माइकल जैक्सन करना चाहता था तो वो उनमें वो चीज़ नहीं थी तो ये जो आप बात कर रही ना ये नए नए लड़के जो एक टाइम की शोहरत मिलती है उनका हाथ मिलाने का स्टाइल भी ऐसे हो जाता है खड़ा होने का स्टाइल भी ऐसे हो जाता है वो ये क्या करना है ठीक है इसका फ़ायदा क्या है लोग आपकी सादगी को पसंद करते हैं ठीक आप दुनिया में चले जाएं लोग आपको जैसे आप हैं वैसे पसंद करते हैं आप है। अपने ऊपर खोल चढ़ाएंगे कैमोफ्लाज करेंगे लोगों को पता चल जाता है इज दैट द रीज़न यू आर ऑलवेज वेरी प्रॉपरली ड्रेस्ड आपने फटी हुई जीन्स भी नहीं पहनी कोई बाल भी नहीं किए कोई बुंदा भी नहीं पहना मेरा मैं शुरू दिन से लेके आज तक एक ही स्टाइल है हाँ। और हमेशा काले कपड़े पहनता हूँ मेरी वाइफ समथिंग कहती है कि मैं कौन सा निकालूं सारे तो काले हैं कौन सी पैंट निकालूं 10 पैंट है वो भी काली है अरे वैसे कैसे पे निशानी लगाते हैं कि कौन सी बस वो जो गंदी होती है किस जाती है उसको पीछे कर दो नहीं पहले नहीं तुसा जदू आखने होना कि जी फ्रांस सूट दियो सारे काले होने कोई खास निशानी मैंने कुछ ग्रे भी बना लिया है कुछ और भी बना लिया लेकिन ब्लू भी बना लिया लेकिन ज्यादा मैं फिर भी वही पहन के आता हूँ काला मैं क्या करूँ मुझे अच्छा, ये काले रंग से इतनी मोहब्बत की वजह क्या आई डोंट नो मुझे लगता है न्यूट्रल कलर है ब्लैक और वाइट कहीं भी जाएं आप सज जाते हैं जैसे आपने अब वाइट पहना हुआ है तो अगर इसमें आप कोई और पहनती तो सोफे के अंदर मर्ज हो जाना था आपने तो ये ब्लैक न्यूट्रल है जहाँ मर्जी आप स्टैंड आउट करता है ठीक है अच्छा अब वैसे तो हमने कोई हजार दफा मैंने पूछा हुआ लेकिन मुझे वो मोमेंट बताइएगा जो ये जो गाना हम जिसका जिक्र कर रहे हैं जो इंस्टेंट फेम कि जब आप गा रहे थे या जब इसका आपका मौका मिला था कैसे और फिर ये पता था कि ये बस मैं इसके बाद कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा ऑनेस्टली फराज जी मैं अभी रास्ते में भी आज ना ऐसे सोच रहा था मैं क्या गाऊंगा जाके सारे गाने मेरे इतने सुने हुए लोगों ने
तो मुझे ना अपना वो अभी भी गा रहा था, मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं फर्स्ट टाइम अमजद बॉबी साहब को लाइव देखा जिंदा, और सैयद नूर साहब को मैंने जिंदा देखा, वैसे नाम सुना था उनका। मैंने आई वॉज वेयरिंग जीन्स, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, टी शर्ट मैंने पहनी हुई, तो मुझे बॉबी साहब कहते हैं जी, एक्चुअली मैं बता चुका हूँ ये पहली बार, कई बार के ये गाने मेरे लिए नहीं बने हुए थे, ये तस्नीम जावेद के लिए बने थे या उस दौर के से अनवर रफ़ी और सब, उन्होंने गाने थे, तो उसकी शायद फ़्लाइट लेट हो गई क्या हुआ, तो उधर से फिल्म लगनी थी। जब अल्लाह ताला ने आपको मशहूर करना होता है ना जी, तो सारे सर्कमस्टांसेस आपके लिए बन जाते हैं और लोगों के दिलों में प्यार डाल देते हैं अल्लाह मियां। हाँ, सही। जब आपसे अल्लाह नफरत करता है, लोग भी नफरत करना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये शायद वो सारा कुछ मेरे लिए बना हुआ था। मैं एक गाना गाने गया था, मुझे बॉबी साहब कहते हैं ऐसे, जैसे वो होते हैं ना बड़ी मीनिंगफुल नज़र से देखते हैं, कहते आप गाएंगे, मैं कहीं यहाँ जी मैं खुद आई यूज़ टू प्ले गिटार इन माय कॉलेज, उनको किसी तो नहीं पता मैं इतना अच्छा म्यूजिशियन भी हूँ या आई एम सॉरी। तो मुझे वो स्टूडियो में से एक जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है एक और स्टूडियो में ले गए, एक तो वहाँ पे सब लगा हुआ था, मुझे कहते आई रिहर्सल करें, तो मैं कहा अच्छा जी कर लेते हैं रिहर्सल। गाना था उसका उस फिल्म का, ये नहीं गाने गया था, साथी मेरे तेरे बिना थे ख्वाब सुने मेरे, आजा बसा ले एक दिल का नगर जिसमें करे सारा जीवन बसर। अब इतने ज्यादा नोट्स हैं बाजे में, पूरा आपको ना पूरा पंजाबी में कहते कबर आ पाने, साथी मेरे तेरे बिना थे। मैंने कहा बॉबी साहब एक बार और आप करें, तो मैंने कहा आप गाने रिकॉर्ड करें एक दफा की सिर्फ। अच्छा, मैंने उसको रिहर्सल कर ली ना मैंने एक बार, फरा जी आप बिलीव करें, अब सही नूर तो साहब तो जिंदा है। मैंने 15 मिनट में टेक करके गाना फाइनल गा दिया। ओके वाह वाह, बॉबी साहब हैरान, तो भी ऐसे ही ना उधर से सही नूर साहब एंटर हो रहे हैं, तो कहते जो रिहर्सल कराई थी इसी मुंडे दी कराती ही रिहर्सल, बॉबी साहब कहते इसने गाना गा दिया, कहते किस तरह होया, अभी तो मैं आया ही नहीं था, कहते आप सुन लें। जब उन्होंने प्ले किया ना गाना ये वाला साथी मेरे, तो ऑब्वियसली स्टूडियो में बड़ी आवाज़ आती है, तो जो सैयद नूर साहब ने भंगड़ा डाला, कहते मुझे यही आवाज़ चाहिए थी, मुझे वो आवाज़ मिल गई जो फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत थी, जो चाहिए थी। उसके बाद मैंने आप यार दिल में जगह ये गाना सेम है मेरे अंगूठे खड़े हुए, उसके बाद मैंने सुरमई बादलों के साथ 4 गाने मैं गा के, अब आपकी बात हुई कि आपको पता था ऐसे होगा, मैं घर में जाके सो गया, मेरी किसी को नहीं पता मैं 4 गाने गा के फिल्म के लिए, और आपको खुद भी नहीं फील हुआ कि ये आज तो बड़ा कमाल हो गया? नहीं, कुछ नहीं, ऑनेस्ट गॉड मुझे कुछ फील भी नहीं हुआ। ठीक है, समटाइम लोग यार मैं कमाल कर रहे हूँ, मैं गा रहा कि सोया हूँ, 8 बजे मैं वापस चला गया, 4 बजे मैं स्टूडियो में गया, 4 गाने गा के 8 बजे घर जाके सो गया, तो मुझे फ़ोन आया एक, तब लैंडलाइन होती थी, तो मोबाइल आया 96 95 96 में, तो मुझे कहते हैं नूर साहब बात करना चाह रहे हैं, मैं कर लें। तो जब मुझे बात कराई उन्होंने, तो उस वक्त नदीम बेग साहब, पूरी फिल्म इंडस्ट्री बैठी, जवेश कहते जी हम सारे गाने तुम्हारा 8वीं बार ये गाना सुन रहे हैं आप यार दिल में जगह। वाह। तो मैं फिर भी हैरान नहीं हुआ, सच्ची बात है। अच्छा? मैं कैसा, मैं कौन सा गाना गाया हूँ यार, आपको अंदाजा ही नहीं था? अंदाजा ही नहीं था। और जब वो गाना फिल्म में चला, तो जब मैं सबसे एंड पे कोने पे बैठा था, मुझे तो कोई नहीं जानता था फिल्म में किसने गाना गाया, चेहरा किसी का भी नहीं पता था, तब तो ना सोशल मीडिया था ना कोई, पता नहीं अभी क्या क्या आ गया मुझे पता भी नहीं है, ना इंस्टाग्राम था, तो मैं छुप के बैठा हूँ, एक दोस्त के साथ चला गया, तो एंड वाली सीट नहीं होती कोने में, तो वहाँ बैठा हूँ, तो जब गाना चला ना फरा जी, गाना चला तो लोगों ने ऐसे कमीजें उठा के फेंकनी शुरू कर दी, मैं डर गया, मैं कह लोग क्या कह रही है, गाना खत्म हुआ ना जब, तो अपनी बनैने उठा के कमीजें, मैं कह ये क्या हुआ, मेरा गाना पसंद नहीं आया इनको, क्या हुआ, घबरा गया मैं एक्चुअली। उन्होंने कहा ये गाना दोबारा लगाओ, फिल्म रोक के गाना दोबारा जी, फिल्म रोक के ये गाना दो दो बार चलता था। Oh my God! So ये मैं ठीक कह रही हूँ कि बिल्कुल फिल्म रोकते थे, फिल्म रोकते, देखिए आई गॉट माय गूज़बम्प्स, जब मैं ना रोना शुरू हो गया, मैं कह यार ऐसा भी होता है, जब मेहरबान होता है तो तू ऐसे भी मेहरबान होता है, इसीलिए जब मैं वो गाता हूँ ना, अब रात दिन भी है मेरा, अब चांद सूरज है मेरा,
तो वो इस गाने के बाद जब भी ये गाता हूँ मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ जिस बात के अल्लाह सब कुछ ही तूने मुझे दे दिया। तो वो जब फिल्म खत्म हुई तो आई गॉट नेशनल फिल्म अवार्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मूवी। यस एंड देन मूविंग ऑन टू ऑल द हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स। उसके बाद वो मैंने कल शब गाया, वो मैंने परफॉर्म किया जब उधर नेशनल अवार्ड जब मुझे मिला तो वो पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्लेबैक सिंगर पीछे 40 लड़के लेके डांस कर रहा है। तो फिर वही ट्रेंड बन गया, उसके बाद हर बंदे ने लड़के पीछे, लड़कियों ने लड़के पीछे करने शुरू कर दिए। क्योंकि शायद मैं कोई अच्छी फैमिली से था, मुझे पता था, गवर्नमेंट कॉलेज से था कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं उनसे आर्ग्यू करता था। ठीक, इसीलिए शायद मेरी चीज़ें भी अच्छी बन गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन जो आप गाने, एक एक गाना जो है आपका वो गाना है कि जो हमारे दिल की धड़कन है और हम आज आपको से सुनेंगे, क्योंकि मेरे जो देखने वाले हैं वो सब बड़े बाज़ौक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और वो दिल भी एक्साइटेड टू हैव यू एंड लिसन टू यू। बल्कि जितने भी हैं लोग अभी देख रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, मेरा उनको सलाम, क्योंकि मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ, ऑनेस्ट गॉड फरा जी, मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ, कहीं मैं कैब में बैठ जाऊँ, मुझसे पैसे नहीं लेते। और आपके उस पर मतलब जिस तरह से आपके, मैं जोर लगाता हूँ, कहते नहीं 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 आपने, आपसे हमने कुछ नहीं, मतलब इतना प्यार करते हो, यहाँ से ज्यादा हमें बाहर प्यार मिलता है। बिल्कुल ऐसे। वारस बेग साहब, मैं तुसा ना बड़ा वड्डा फैन हां। अच्छा, बड़ा पुराना मैं निक्का जिया होना सा, जे तू नवे-नवे तुसा आए सो। होने में तुसी निक्के हो, खड़ोते हो के बैठे हो। माशाल्लाह, तुसा नी आवाज सुन के ना मैं वो उस टाइम ही चला गया जदों फिल्म इंडस्ट्री उपर अरूज होना सी। हुण ते सुनसान पईयां या स्टूडियो सारा कुछ। वापस आओ ना जी, ताके फिर उत्ते जुलन। फरा जी ने बड़ी अच्छी बात की, असल प्लेबैक की आवाज़ें कम हैं। प्लेबैक एक आवाज़ है जो कानों को लगता है ये प्लेबैक है। इसमें एक्सप्रेशन है। इसमें एक्सप्रेशन है। वो आवाज़ जिसमें आप को एक्सप्रेशन है। जो मतलब प्रॉब्लम हुई है ना फराजी, अब कि अभी हो गया कि जो गाना हिट हो गया उसको फिल्म में डाल, इसलिए वो ऐसे आते ऐसे गुजर जाते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन में नहीं होता गाना। अब आप यार दिल में जगह मेरा गाना वो सिचुएशन में था। मुझे नूर साहब ने कहा कि यार वो लड़का जो है वो शीशे के घर में रहता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिल नहीं सकता, वो पहली बार वो इतना तड़प रहा है, वो उसको मिलने नहीं है दो हफ्ते से, उसकी क्या तड़प होगी। वैसे इस तड़प का कुछ वैसे कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी था आर्टिस्ट, जो आवाज़ में इतना एक्सप्रेशन आर्टिस्ट आर्टिस्ट का अगर उसमें फीलिंग नहीं है या उसमें मोहब्बत नहीं है वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो सकता। अच्छा सर, मैं विजुलाइज कर रही हूँ उस टाइम को, आज भी आतिश जवान है, मैं वक्त के साथ साथ हैंडसम होते जा रहे हैं, तो जीन्स पहने हुए और टी शर्ट पहने हुए और गिटार वाला एक लड़का और 90s का दौर और इतनी खूबसूरत आवाज़ और गवर्नमेंट कॉलेज, तो लड़कियों की तो लाइन होगी फिर पीछे। तो इसने भी दिमाग ख़राब नहीं किया था कि भाई मैं तो बड़ा हीरो हूँ और वो नहीं। अच्छा, इतनी दिमाग तब ख़राब होता है कि जब देखें आप जो जब कभी पे किसी पे मेहरबान होते हैं ना अल्लाह मियाँ, तो आपको हम्बल होना चाहिए। आपके लिए कितनी बड़ी बात है कि किसी की बीवी, किसी की बेटी आपके साथ तस्वीर खिंचवा रही है। ये बातें अब तो समझ में चले आ जाती हैं वक्त के साथ, उस वक्त तो मुझे तब भी समझती, आई डोंट नो, मुझे तब भी समझती। तो यू वर ऑलवेज अ वेरी मैच्योर पर्सन। बिल्कुल ऐसे, लाउबाली खलंडरा, इसलिए कि मुझे ये लगता है कि हम टेम्परेरी यहाँ पे हैं। इसलिए आपको कब से एहसास है इस चीज़ का? बहुत, मैं कॉलेज लाइफ से ऐसे है, मुझे कभी नहीं हुआ कि हम परमानेंट हैं यहाँ पे, तो फिर अकड़ किस चीज़ की आपने? वाह, सो ये है वो खूबसूरती इनके अंदर की जो इनकी आवाज़ में और अंदाज़ में झलकती है। तो जिस गाने का आप जिक्र कर रहे थे वो गाना भी थोड़ा सा हम आपसे रिक्वेस्ट कर लें तो सुन लें। कल शब देकर जी सुनाएंगे आपके लिए सब कुछ। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
आवाज में इतनी नगमगी तो है, तासुर बहुत गहरा है। मुझे ना एक दिन मोहम्मद भाई आए मेरे घर में, तो मुझे कहते हैं कि मैं प्रोड्यूसर से लड़ता था कि वारिस बेग का गाना होगा तो मैं एक्ट करूंगा। तो ये मोहम्मद पे गाना है, तो मुझे इस दिन उसने ये सुनाया, तो मैंने कहा आज आपको भी सुनाते हैं। अच्छा ये बताइएगा सर, आपके गाने जाहिर सारे हीरोज उस वक्त के जो थे, और आपने खुद जिक्र कर दिया कि आपका गाना, चूंकि जमानत होता था ना कि गाना हिट होगा तो हीरो भी हिट होगा, आपको अपनी आवाज किस पे सबसे ज्यादा आज तक पसंद आई है? आपको लगा कि मेरे गाने का हक अदा? बाकी नाराज ना हो, शान बहुत अच्छा पिक्चराइज करता है मेरा गाना। जैसे कल शब उसने भी पिक्चराइज किया, और दो फिल्मों में आया था गाना, एक शान साहब की फिल्म की था और एक मोहम्मद की फिल्म का था, तो दोनों ने बड़ा अच्छा किया। और ये गाना फिर इंडिया में भी कॉपी हुआ। अच्छा लगता है ये जब गाने कॉपी होते हैं? क्या बहुत अच्छा लगता है, अपने आप पे एतमाद होता है कि हम बहुत अच्छे हैं जो कॉपी कर रहे हैं। कभी आपने भी सोचा कोई कॉपी कर लें आप भी कोई? मैंने आज तक नहीं किया। वजह? अब जबकि ये ट्रेंड चल रहा है, अपने इतने हिट हो गए तो मैंने क्या करना था कॉपी करके। जब आपको खुद हिट हो, जब आप एक डिजाइन बनाते हो वो पूरी दुनिया पहनती है, फिर आपको किसी विशाची की इसकी क्या जरूरत है। अच्छा इतनी ख्वाहिशात माशाल्लाह, जैसे आपने कहा कि आपने सोचा भी नहीं था और सारा कुछ मिल गया, फिर भी कोई ख्वाहिश बाकी है, कोई चीज़ जो कि आप सोचते हो कि यार ये अब ये जो है ना ये चीज़ होनी चाहिए, एनीथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफेशन और पैशन और कुछ जिंदगी के बारे में जो मांगते हो? ऑनेस्टली कोई नहीं है, और कभी सोचा भी नहीं है। कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई कोई मर्तबा, कोई मकाम, कोई चीज़? नॉच गाड़ियाँ मैंने चला ली, बेस्ट गाड़ियाँ मेरे पास हैं, जो कोई ख्वाब में देखना चाहता है गाड़ी वो भी मेरे पास है। व्हाट एल्स यू वांट? तो फिर तो बहुत लालची हो गए ना, अब आप रजते ही नहीं हो। वो तो कुरान की भी एक आयत है कि एक इंसान को पूरी दुनिया के सोने के पहाड़ मिल जाए, एक रह जाए तो ये भी दें, मेरी वो आदत नहीं है। मैं कहता हूँ इसको छोड़ो, क्या करना यार। मैं वही कह रहा हूँ कि दुनिया में कहते सुखी कौन है, जो खुश है। जो कुरान में है वो कहते हैं दुनिया में सुखी कौन है, जो आपको अल्लाह ने दिया है उस पर आप राजी हो जाएं। मैं उस पर इतना मुतमईन हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। मैं मुझे को कहे ना इधर आ जाओ मेरे घर में, तो मैं जो कपड़े घर में पहने तो वैसे ही चला जाता हूँ। मैं कभी नहीं किसी घर जाने में तैयार नहीं होता, कोई टीवी पे आना होता है तो ऐसे आए तो यहाँ मलंग बन के नहीं आ सकता। लोग पूछते हैं अब मैंने नया गाना करना है। तो ये किसी फिल्म के लिए करना है या अपना नंबर? अपने लिए सोलो नंबर करेंगे। सोलो नंबर करेंगे। अच्छा वेरी गुड। बेटे के साथ करेंगे कि अकेले? बेटा तो मेरा बहुत ही आगे है मुझसे। मैं तो लोग मुझे हमेशा कहते हैं जी आपसे 10 गुना आगे है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, अगर आगे ना होता तो मैं इसको कभी इस फील्ड में ना लेके आता। आप समझते हैं कि आपसे 10? आप समझते हैं? मैं इसकी वजह बताता हूँ। एक तो उसने अमेरिका से पढ़ा, अमेरिकन बॉर्न है, हम तो यहीं थे, पाकिस्तानी हैं, तो ना साढ़े अब्बा जी ने पढ़ाया सन अमेरिका। तो सबसे बड़ी बात कि मेरे वाले साहब मुझे डांटते थे, मैं उसको पुश करता हूँ, मेरे से बेहतरी है ना उसमें। म्यूजिक उसने अमेरिका से सीखा है, वो ऐसा क्लासिकल गाता है कि मैं वैसा नहीं गा सकता। अच्छा वो ऐसा इंग्लिश गाता है क्योंकि उसका एक्सेंट वैसा है, मेरा एक्सेंट वैसा नहीं है। देखो ना कितनी चीजें मैंने बता दी, इसलिए मैं कहता हूँ मुझसे बेहतर है वो। ठीक है, अल्लाह करे कि बख्त और नसीब जो है ना, असल बात किस्मत अल्लाह ने आपके ऊपर जो मेहरबानी है। देखिए कितनी आवाजें हैं ना, उन आवाजों में वारिस बेग ही है ना कोई। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ उसकी माँ को भी, इसको मैंने कहा यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, उनका पता भी नहीं है। पता भी नहीं, जब तक अल्लाह पाक का करम नहीं होना तब तक कुछ नहीं। चोजन, जब अल्लाह मुंतखब कर लेता है किसी को। आप इंडिया देख लें, पाकिस्तान देख लें, कुछ ऐसे लोग हैं जो ओवर रेटेड है, उन पर अल्लाह का करम है, उनमें उतना आर्ट नहीं है। हाँ जी, मैं समझता मुझ पर भी अल्लाह करम है, इतना मेरे आर्ट नहीं है। नहीं दोनों चीज़, अल्लाह का करम ज्यादा है, दोनों चीजें, बहुत सारे करम है और बहुत सारी आपकी अपनी ये जो सिफात है, और बहुत सारा अल्लाह ने आपको नवाजा भी हुआ है आवाज से, रंदाज से। चले एक गाना अब मैं आपकी पसंद पे छोड़ती हूँ कि जो आप सुनाना चाहें, वो जो आप सुनना चाहेंगे मैं सुना दूंगा, जो भी कहना है। ओके जो भी कहना कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, आई एम क्रेजी फॉर यू, सुन ले तू, कहता हूँ मैं तुझसे, प्यार कर ले मुझसे, आई एम क्रेजी फॉर यू, दूरी क्यों तड़पाती है, याद जब भी आती है, सन तेरे ले जाती है, सनम को लेट्स गो भारी इश्क, होने लगा मुझे इश्क, जीना ना दे इश्क, इश्क आँखों
तड़पाती है याद जब भी आती है संग तेरे ले जाती है सनम को लस्को हारी इश्क होने लगा मुझे इश्क जीन ना दे इश्क है इश्क आँखों की जुबान इश्क होने लगा मुझे इश्क जीन ना दे इश्क इश्क सांसों में दुनिया तो वारिस बेग के अंदाज में गाती है कभी वारिस बेग ने भी कोशिश की है किसी की आवाज में या किसी के अंदाज में कोई गाना गाया जाए बिल्कुल अच्छा मैं वारिस बेग के अंदाज में ही गाता हूँ जब मैं कॉलेज में था या बचपन से मैंने इनको गाते हुए अच्छा गाना तो चले आपने पिक्चर अपने लिए सोचा होगा कि मैंने गाना गाना सीरियसली कभी नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में मैं भी आज और इतनी टॉप की जो हीरोइंस हैं जिनके साथ आपके मतलब सोलो नंबर्स वो चलते रहे उनके बारे में आपने खुद ही मेरी बात का जवाब दे दिया कि पाकिस्तान की कोई टॉप हीरो नहीं जिसके साथ मैंने वीडियो नहीं बनाया मीरा को मीरा कलशप के बाद बनी थी वो उसका पहला डेब्यू सॉन्ग अच्छा वैसे आपकी आपकी क्या आपको इन सारी हमारी खूबसूरत हीरोइंस एंड परफॉर्मर्स में से हु इज योर फेवरेट के जो आपको मजा आया वो काम करने का कई चीज़ें होती हैं एक आर्टिस्ट की आर्टिस्ट से जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है या उसकी एक फीलिंग होती है एक तो मीरा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कलशप शी इज अ वेरी गुड परफॉर्मर और वो सिर्फ 3 घंटे में वीडियो बना था हमारा अच्छा इंक्लूडिंग मीरा के शॉट्स मीरा की एक खसूसियत है कि जब वो ऑफ स्क्रीन होती है ना मैं कहता हूँ तो चल रही है बिल्कुल जब वो कैमरा ऑन होता है जी शी ट्रांसफॉर्म्स वो मीरा बन जाती है पता नहीं अल्लाह का उस पे कोई करम है बिल्कुल ऐसे उसके साथ बड़ा अच्छा लगा एक मैंने गाना जो भी कहा एक दिलबर से आँख मिली वो मैंने पहली बार खुशबू को लिया था खुशबू इतनी खूबसूरत कभी नहीं आई जो लोग मुझे देख रहे हैं कभी इस गाने को देखें ग्लोबली जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं एक दिलबर से आँख मिली खुशबू ने बहुत अच्छा एक्ट किया उसमें खुशबू वाकई खुशबू लगी जो जैसी वो खूबसूरत थी तो ये दो मुझे बड़ा अच्छा इनके साथ ये आपको अच्छा लगा सना के साथ भी किया मैंने निर्मा को मैंने इंट्रोड्यूस कराया था वीना मलिक को मैंने इंट्रोड्यूस कराया था मैंने बहुत से लोग इंट्रोड्यूस कराए ये भी एक बड़ी बात होती है एक होता है पारस पत्थर ना कि वो मत जिस को छूता चला जाता है सारे सोना बनते चले जाते हैं आप देखें ना मीरा का जो गाना आया तो उसके बाद मीरा
सुपर हिट हो गई। ये जो वारिस बेग है जो मैं इस शो में मुसलसल फील कर रही हूँ, देखने वाले भी देख रहे होंगे कि इतने हिप हॉप, इतने रोमांटिक, इतने फिल्मी गाने गाने वाले हमारे जो इतने खूबसूरत फनकार है, उसके अंदर का जो इंसान है या कलंदर है या दरवेश है वो कितना मजबूत है, उसका उसकी रूह कितनी मजबूत है। इस तरह का कोई गाना नहीं आया अभी। अब वही बताना, मैं मुझे अपना बहुत कुछ करता हूँ, मेरी मुझे तशहीर करने का शौक नहीं इतना, मैं बड़ा लो प्रोफाइल रहता हूँ, वो वैसे ही लव या हाई प्रोफाइल कर देता है। मैं आई एम द ओनली आर्टिस्ट जिसने इंडिया में जाके हमदो नात पढ़ी, ताजमहल में लोगों ने गाने बनाए, मैंने हमद बनाई। मैं जी सलाम का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अच्छा। मैंने इंडिया में जाके लोग जहाँ गाना गाने गए, मैंने इंडिया की सरजमीन पे कदम रखा तो पहले ही मैंने हमद पढ़ी थी जाके। और ये प्लान करके, मतलब बिल्कुल प्लान नहीं किया। और अगर आप देखेंगे कहीं यूट्यूब पे जाके हमदो नात, तो वो सारी ताज अपने ताजमहल में है, कुतुब मीनार में है, बलागलूला। मैंने अल्लाह के नाम को भी फ्यूजन किया। वो कैसे किया, आपके शो पे बात कर सकता हूँ मैं, बहुत से लोगों को नहीं पता, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता ऐसे। बहुत से जो ऐसी चीज़ें थी कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसको मैंने फ्यूजन किया। कैसे, जैसे या रब तेरी किस किस नेमत का करे शुक्र अदा इंसान, एक सजदे में कैसे उतरें तेरे लाखों एहसान, फबी अय अलाई रब्बी को मातुक जीबान। वाह, मैंने इसको ऐसे किया। वाह वाह वाह। फिर हम हमेशा अल्हम्दुशरी पढ़ते हैं, उसमें आमीन है। या रब तेरी किस किस नेमत का करे शुक्र अदा इंसान, ये मैंने आपको सुनाया ना। इसी तरह मैंने एक और हमद पढ़ी, दुख दर्द के मारों को तेरे नाम से तस्कीन, दुख दर्द मैं भी कहूँ आमीन, तुम भी कहो आमीन, इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। ये आपने खुद ये सारी, ये मैंने खुद लिखवाए। अच्छा। फिर एक मैंने शुरू की, कैसे किया कि वो गाना वो था ना, एक कसीदा बुर्दा, बलगलुला बे कमाल ही कशफ दुजा बे जमाल ही हसुनत जमी ओ खिसाल ही सल्लू अलैहि वाल ही कोई सलीका है आरज़ू का। इसके साथ मैंने फ्यूजन किया। तो इतना पसंद किया इंडिया में उन्होंने लोगों ने, कि इंडिया के जो 30 करोड़ मुसलमान हैं मुझे इसी तरह जानते हैं जैसे आप मुझे जानते हैं। अच्छा, और वो जानते हैं आपको इस कलाम से, इस कलाम पाकिस्तान से। में इस चीज़ की इतनी नहीं है, इतनी नहीं है, क्योंकि जब आपदा जी वहाँ थी बम्बई में, मुझे वहाँ से उनका फ़ोन आया कि मैंने आपके यहाँ कलाम सुने, मेरा रूह खुश हो गई। अच्छा, ये जैसे आपने आपदा जी का जिक्र किया, तारीफ अच्छी लगती है, और कोई खास तारीफ जिस जैसी खातून तारीफ करे बहुत अच्छा लगता है। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है भाई, रूहदारी वाली खातून है। फरीदा खानम जैसी खातून तारीफ करे। मेरा गाना कल शब था, तो मैं नाम नहीं लेता ज़्यादा, सारे आर्टिस्ट थे, उनमें एक ऐसा गाना था जिसको अवार्ड मिल गया, उसमें मेरा कल शब भी था, कहती आपका गाना बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, अवार्ड छोटे हो जाते हैं, बात छोटा है, कहती गाना बहुत बड़ा। तो मुझे उनकी बात याद रहेगी, जहाँ हक तलफी और नाइंसाफी हो वो अवार्ड छोटे हो जाते हैं। इसलिए मैं अवार्ड को इतनी अहमियत नहीं देता, मैं प्यार को ज्यादा अहमियत देता हूँ। आप मुझे 10 अवार्ड देने में प्यार ना दें, मैंने चार अवार्ड। मगर आपको तो सारे माशाल्लाह मुल्क के अवार्ड मिल चुके, अब तो हमारे पास देने के लिए और प्यार की राय कुछ नहीं है। मुझे प्यार ज्यादा मिला है अवार्ड्स के, मेरे अब घर में आएंगे ना तो इतने अवार्ड्स हैं मेरे पास रखने की जगह नहीं है, मैंने उसे अलमारी के अंदर तुन दिया दूर दूर तक। अच्छा, एक और जो है ना कि आर्टिस्ट जाते हैं और बड़े टूर्स करते हैं और बड़ा पैसा बना रहे होते हैं और कमा रहे होते हैं, ये वाली साइड आपकी कैसी है, और आप इसको कैसे, आपने भी इसको इतना कमर्शियल पैसा बनाया पहले, मतलब मैं हाईएस्ट पेड सिंगर था पहले, उसके बाद अब मुझे ये समझ नहीं आती ये फेसबुक पे लाइक्स और ये लाइक्स और वो लाइक्स। यू आर नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन। आप बिलीव करें, मैंने दिलबर से गाना पढ़ा हुआ है, लोग मैं अगर लाइक्स लेना चाहूँ ना मिलियन, तो 3 लाख का मिलियन मिल जाता है, इसमें क्या है। अब मुझे बच्चे बताते पापा 3 लाख का तो मिलियन ले लिया, अब उस बंदे को सड़क पर जानता क्यों नहीं, इसके 20 मिलियन व्यू है। सिंगर्स ने अपने अपने चैनल बना लिए, चैनल बना लिए, और अपने गाने उन्होंने वहाँ पे कॉपीराइट्स के साथ डाले हुए, आपके गाने हर तरफ फैले हुए हैं और लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो आप खुद क्यों नहीं। मेरा गाना पड़ा हुआ है एक दिलबर से आंख मिली, मुझे कभी पता ही नहीं क्या हुआ, उसके 2 मिलियन व्यू हो गए, 1.5 हो गए, मुझे नहीं पता ये क्या होते हैं व्यूज। एक बंदा सिंगर है जिसको मैं नहीं जानता, उसके 10 मिलियन व्यूज है, मिसाल दे रहा हूँ,
इतने लाइक्स हैं और उतने ही नालायक हैं। तो वो इसका क्या फायदा जी, मेरे पास जितना पैसा मैं तो एक दिन में 50 मिलियन व्यू ले लूंगा, उसका फायदा क्या आपको? ठीक है, आपको सड़क पे जानते ही कोई नहीं आता। अच्छा, लेकिन आजकल तो लोग अपनी शोहरत या अपनी पॉपुलैरिटी या ये जो है ना, ये सब इससे गेज करवाते हैं कि देखिए जी मेरे तो इतने लाइक्स हैं, इतने हिट्स हैं, हमारे तो इतने फॉलोअर्स हैं। यार अपना फराज जी गेज आपका ना, आपका आर्ट खुद गेज कर रहा होता है आपको, लाइक्स से नहीं आपको फर्क पड़ना चाहिए। मैं नहीं समझता, मैं रफ़ी साहब के लाइक्स देखता हूँ, एक गाना इतना बड़ा गाना है उसके 500 लाइक्स हैं, 5 लाख। देख मठा सा सिंगर है उसके 5 मिलियन लाइक है, यार हो कम यार, अब बड़ी रफ़ी से बड़ा सिंगर हो गया वो। हाँ। ये क्या बात है यार, हमारे जितने मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो भी, ये पागल हैं लोग, इनको नहीं पता यार ये क्या हो रहा है। हाँ जी। कि किशोर का गाना कोई गा रहा है तो उसके 5 लाख लाइक हैं, और एक लड़के ने गाना गाया उसके 20 मिलियन लाइक हैं, इसका मतलब किशोर छोटा सिंगर है। कैसे आपकी बात, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है। और सारे लोग जो कि वर्चुअल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड और असल दुनिया का फर्क समझते हैं, उन्हें इस फर्क का पता है, लेकिन असल दुनिया असल है। अब आप इससे इरिटेट नहीं होते कि ये जो डिजिटल? मैं बहुत इरिटेट होता हूं। होते हैं। मेरे बेटे मुझे दिखा रहे, पापा ये देखिए इसको इतने लाइक्स हैं। हमारी पाकिस्तानी टीम के अंदर कितने अभी स्टार हैं, एक मुझे सारे बंदे बैठे हैं उन गाना के नाम बता दें, अफरीदी दौर में चले सबके नाम आते होंगे, वो रियल स्टार थे। यहाँ तो स्टार का पता नहीं चलता, वो लिबर्टी में खड़ा हो पता ही नहीं कौन है। अच्छा आपने फलाना मैच खेला है, ये कौन सा स्टार है? इसी तरह हमारे आर्टिस्ट है, इसी तरह हमारे ड्रामा आर्टिस्ट है। मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, मैं कई आर्टिस्टों को नहीं जानता, तो वो कहते हैं इसके तो बड़ा ड्रामा हिट हुआ था, इसके तो फलाने इतने आर्ट। आपको लगता है हमारा कोई डिक्लाइन, कोई थोड़ा बहुत, या आपको लगता है नहीं वक्त और हालात ऐसे ही होते हैं तो वक्त के मुताबिक ठीक जा रहे हैं? आप देखें, आपको इस फील्ड में 20 साल हो गए, मोर देन 20 हो गए शायद, आपके पीछे एक पूरी जर्नी है। ठीक है, एक कल लड़की आती है उसके 5 मिलियन व्यू, ना उसको बोलना आता है ना उसको सवाल करना आता है। मैं वही कह रहा हूँ, आप बोल रही हैं मैं जवाब दे रहा हूँ, कोई आप पेपर नहीं देख रही है अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, मैंने ये सवाल पूछना है नहीं पूछना, दिल से बात करेंगे तो ये मैटर करता है, आपके लाइक्स मैटर नहीं करते। कुछ नहीं होता फिर, मैं भी तो कई बार बसुरा गाता हूँ, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मतलब मैं गा ही सकना। अब गा। चले सुनाई। हाँ सुनाई सुनाई, हिम्मत करो। दादा वास्ता ने सजा तो क्या आप ही लो। केड़ा गाना सी? गाना भी किसी और। आ प्यार दिल में जगा, आ धड़कनों में समा। बस चुप कर जा। कसम मेरी जाना। बस चुप कर जा। आगे न फिर दूर जाना। मैं पहले इजाजत की दी थी। अच्छा चलो, मेहरबानी, शुक्रिया। लेकिन इतने खूबसूरत गाने की टांग तोड़ने के लिए कोशिश तो की थी ना जी, तको ना तुसार ते नहीं बनी सकने हैं, कोशिश तो करी सकने हैं। कोशिश जारी रखनी चाहिए। हाँ, कभी ना कभी जिंदगी खत्म हो जाए। कोशिश करने वाले को अल्लाह पाक भी पसंद करते हैं। मेहरबानी। वंडरफुल टू हैव यू ऑलवेज। मैं जब आपसे मिलती हूँ तो मुझे मतलब है कि एक नई एनर्जी और एक नया किक और एक नया हौसला जो है वो मिलता है। वो आप मतलब सिर्फ एक सिंगर नहीं है, आप उससे बहुत बड़े इंसान हैं और आप बहुत खूबसूरत और बड़े मुकम्मल इंसान हैं। सो अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियाँ खुशियाँ मजीद दे आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जाते जाते अब कल शब देखा चांद झरोके, बिल्कुल सुनाएंगे। सो उसके साथ ही हम इजाजत लेंगे अपने सारे देखने वालों से, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। कीप वॉचिंग वीकेंड एट ग्लोबल और हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके में। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। चूमा कोई गुलाब तुम्हारे रोके में। ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोके में,
उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। तारों की जगमग झिलमिल थी प्यार की पहली मंजिल थी, ओ तेरे मेरे सांसों की गर्मी मस्त हवा में शामिल थी, ओ तारों की जगमग झिलमिल थी प्यार की पहली मंजिल थी, ओ तेरे मेरे सांसों की गर्मी मस्त हवा में शामिल थी, धीरे धीरे तू जो मेरे अंग लगी छुप गई फिर मैं कहीं घटा के पर्दे में, ओ कल शब देखा मैंने चांद रोके उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। होने लगी रिमझिम धड़कन में ऐसी धुन थी पायल की, हो फिर जो छिड़ी बूंदों की सरगम बढ़ गई लदी इस दिल की, हो होने लगी रिमझिम धड़कन में ऐसी धुन थी पायल की, फिर जो छिड़ी बूंदों की सरगम बढ़ गई लदी इस दिल की, कतरा कतरा शबनम सारी रात बही महक बदन की धुनी सभा के झोंके में, ओ कल शब देखा मैंने चांद रोके उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, हे हे आहा हा हे हे ला 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 ला।